नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास हमारी रिलेटेड होने वाली है एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग की क्लास नंबर 9, जिसमें हम जान रहे थे मलवेयर के बारे में। मलवेयर का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम जानेंगे ट्रोजन के बारे में और ट्रोजन के कार्य के बारे में कि ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन के क्या कार्य होते हैं, ट्रोजन का क्या यूज़ है हैकिंग में। ट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिकल हैकिंग के अंदर या फिर हैकिंग के अंदर। इसको एक व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैकर दोनों ही इसको यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम पर कंट्रोल बनाने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि इसके कार्य क्या हैं और ये क्या होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर आज अब हम जानते हैं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर यानी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यदि आप इसका कोई भी गलत उपयोग करते हैं तो आप इसके लिए खुद ज़िम्मेदार होंगे, या कोई आप इलीगल वर्क करते हैं तब भी आप इसके लिए खुद ज़िम्मेदार होंगे, मैं या मेरा चैनल बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रोजन के बारे में कि ट्रोजन क्या होता है। ट्रोजन एक प्रोग्राम होता है जो कि एक मलिशियस प्रोग्राम होता है या मलिशियस सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं, जो कि जिसमें मलिशियस एंड हार्मफुल कोड एक स्पष्ट रूप से किसी भी हार्मलेस प्रोग्रामिंग और डेटा के अंदर इंसर्ट होता है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट हो सकता है। ये जो हमारा प्रोग्राम होता है या मलिशियस कोडिंग होती है, ये किसी भी सिस्टम के अंदर आसानी से कंट्रोल बना सकती है। जिस भी सिस्टम पर यह एग्जीक्यूट होगी उस सिस्टम पर पूरी तरीके से कंट्रोल बना देगी। जो ट्रोजन होता है कि इस तरीके का मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड करके आपको मिलेगा। मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर आपका पेड है और पेड सॉफ्टवेयर को आप ख़रीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, तो आप उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। पर आप क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के ऊपर वहाँ से उसको क्रैक खोजते हैं, और क्रैक के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, बाइंड होता है ट्रोजन। उस ट्रोजन जब वो ट्रोजन किसी भी सॉफ्टवेयर आप क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बाइंड होता है। जैसे आप उसका एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं तो वो आपके सिस्टम पर पूरी तरीके से कंट्रोल बना लेता है, आपको पता भी नहीं चलता और बैक एंड में उसकी वर्किंग चल जाती है, ठीक है। तो ट्रोजन एक मलिशियस प्रोग्राम है जो कि किसी भी सिस्टम पर आसानी से कंट्रोल बना सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ट्रोजन को बनाएंगे और ट्रोजन को किसी भी सिस्टम पर किस तरीके से इंस्टॉल कराया जाता है और किस तरीके से उससे पूरा का पूरा कंट्रोल बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि ट्रोजन के क्या कार्य हैं और हाउ हैकर यूजिंग ट्रोजन, हैकर ट्रोजन को क्यों यूज़ करते हैं। डिलीट और रिप्लेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिटिकल फाइल, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्रिटिकल फाइल है उनको रिप्लेस कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि सी ड्राइव के अंदर आपकी काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं जो क्रिटिकल होती है, और आपके सॉफ्टवेयर्स की फाइल भी होती हैं, उनको भी डिलीट कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं ट्रोजन के थ्रू। आप जनरेट फेक ट्रोजन फेक ट्रैफिक टू क्रिएट डोज अटैक, यानी कि डोज अटैक के थ्रू एक फेक ट्रैफिक भी क्रिएट किया जा सकता है। इस तरीके का भी ट्रोजन होता है। रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट ऑडियो एंड वीडियो ऑफ विक्टम सिस्टम, यानी कि किसी भी विक्टम सिस्टम की पूरी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, आप उसके सिस्टम में जैसे ही ट्रोजन इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ से आप पूरा एक्सेस ले सकते हैं। विक्टम सिस्टम के ऊपर स्पैम भी कर सकते हैं, यानी कि स्पैमिंग अलग अलग तरीके की ईमेल भेज सकते हैं, आप डाउनलोड करा सकते हैं ट्रोजन के थ्रू किसी भी स्पाइवेयर एडवेयर एंड मलिशियस प्रोग्राम को। जब आप किसी भी सिस्टम को हैक कर लेंगे तो वहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपकी जो आपका विक्टिम सिस्टम है उसके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस या फायरवॉल है उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। इस तरीके की इतनी पावरफुल होता है ट्रोजन, काफ़ी पावरफुल होता है, जो कि एक क्रिएट कर सकता है बैकडोर बैकडोर टू गेन रिमोट एक्सेस, यानी कि रिमोट एक्सेस भी आपको गेन करके दे सकता है किसी भी सिस्टम पर बैकडोर के थ्रू। आप किसी भी सिस्टम में बार बार जा सकते हैं और बार बार आ सकते हैं और वहाँ से पूरी की पूरी आप कंट्रोल ले सकते हैं उस सिस्टम का। इफेक्टिव विक्टिम पीसी एज प्रॉक्सी,
सर्वर यानी कि प्रोक्सी सर्वर को भी ये इफेक्ट करता है विक्टिम के, या फिर किसी भी सिस्टम पर डीडोस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं बोटनेट, यानी कि बोटनेट परफॉर्म किया जा सकता है ट्रोजन के थ्रू। डीडोस अटैक का भी एक ट्रोजन मिलता है आपको, उससे आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्टील इंफॉर्मेशन सजेस्ट पासवर्ड सिक्योरिटी कोड्स क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग किलोवर, किलोवर्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन पासवर्ड सिक्योरिटी कोड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ईमेल एड्रेस जीमेल आईडी अदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं ट्रोजन के थ्रू। ट्रोजन की हैं कुछ ही यूजिंग मैंने बताए हैं जो कि हैकर यूज करते हैं, पर ट्रोजन बहुत ही यूजेबल है और बहुत ही पावरफुल है जो कि किसी भी एंटीवायरस और फायरवॉल को भी डिसेबल कर देता है, जो कि पूरे की पूरी सिक्योरिटी होती है किसी भी सिस्टम की। तो नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप ऑफ ट्रोजन, कितने टाइप के होते हैं ट्रोजन। यहाँ पर कुछ टाइप्स मैंने दिए हुए हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो कि किसी भी सिस्टम पर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जो दूसरा विक्टिम का सिस्टम है उस पर आप ट्रोजन भेज देंगे तो ट्रोजन जैसे ही वहाँ पर इंस्टॉल होगा तो आप उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। डेटा हेडिंग ट्रोजन यानी कि डेटा को हाइड करने के भी ट्रोजन होते हैं, डेटा को डिस्ट्रक्शन ट्रोजन भी होते हैं। सर्वर ट्रोजन जो कि प्रोक्सी एफटीपी आईआरसी ईमेल एचटीटीपी और एचटीटीपीएस एटीसी के काफ़ी तरीके सर्वर जो होते हैं उन सभी के भी ट्रोजन आपको प्रोवाइड होते हैं। इन सभी टाइप्स के ट्रोजन मिलते हैं आपको, जो आपको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबलर होते हैं उस तरीके का भी ट्रोजन मिलता है, जैसे कि फायरवॉल और एंटीवायरस आपके सिस्टम के अंदर है तो उसको भी डिसेबल कर सकते हैं ट्रोजन। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि डोज अटैक जिसको बोलते हैं, इसका भी एक ट्रोजन आपको प्रोवाइड होता है। इसके द्वारा आप किसी भी सिस्टम पर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा टाइप ऑफ ट्रोजन, ठीक है। तो अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रोजन। आप काफ़ी सारे तरीके की क्लासिफिकेशन में आपको ट्रोजन मिलते हैं, पर मैंने कॉमन टाइप के ही ट्रोजन मलवेयर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, जो कि ट्रोजन बोल सकते हैं, इसको ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टाइप्स के जो कॉमन ट्रोजन्स हैं मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। जैसे नंबर वन पर आपको दिखाई दे रहा है बैकडोर ट्रोजन। बैकडोर ट्रोजन एक इस तरीके का ट्रोजन होता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर एक बैकडोर क्रिएट करता है। बैकडोर क्रिएट करने के बाद किसी भी जो अटैकर होता है उस अटैकर को पूरी तरीके से कंट्रोल दे देता है आपके सिस्टम पर, जो कि कंट्रोल देने के बाद जो आपका अटैकर होता है, अटैकर उस सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से डेटा को डाउनलोड कर सकता है। जो थर्ड पार्टी पर्सन होता है जो कि अटैकर होता है उसका डेटा को डाउनलोड कर सकता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर अपलोड करा सकता है आपके डिवाइस के ऊपर। बैकडोर एक इस तरीके का ट्रोजन होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो आपका अटैकर है वो आपके सिस्टम के अंदर कभी भी आ जा सकता है, इस तरीके का बैकडोर ट्रोजन होता है। और यहाँ पर आपको मिलता है सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको बोलते हैं यहाँ पर डीडोस अटैक भी। ये काफ़ी ज़बरदस्त अटैक है जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला अटैक है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन, यह ट्रोजन डीडोस अटैक करने के परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। किसी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करता है, उस नेटवर्क को पूरी तरीके से डाउन कर देता है। डाउन करने के बाद जो कि उस नेटवर्क को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। डीडोस अटैक के द्वारा किसी भी सिस्टम के नेटवर्क को बर्बाद भी किया जा सकता है, इतना ख़तरनाक ये अटैक होता है। इस तरीके का ये ट्रोजन काफ़ी ज़बरदस्त ट्रोजन है, ठीक है। ये ट्रोजन आपके जो इफेक्टेड कंप्यूटर या अन्य अदर किसी भी प्लेटफॉर्म से या आ सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो आप इसका ध्यान रखें। जो यदि आपके सिस्टम पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है ट्रोजन किसी भी ट्रोजन के थ्रू, तो आपका पूरी तरीके से नेटवर्क बर्बाद हो सकता है और आपका सिस्टम भी बर्बाद हो सकता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी हार्मफुल ट्रोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रोजन हमें यहाँ पर डाउनलोडर ट्रोजन होता है। डाउनलोडर ट्रोजन, यह ट्रोजन एक
ऑलरेडी इफेक्टेड कंप्यूटर को ही टारगेट करता है, जो कि आपका ऑलरेडी इफेक्टेड कंप्यूटर होगा तो उसको ही टारगेट करेगा। टारगेट करने के बाद ये किस तरीके से आपको प्रोवाइड होता है, ये आपके सिस्टम के अंदर अपने आप डाउनलोड होता है और इंस्टॉल होता है। ये न्यू वर्जन के मलिशियस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और सॉफ्टवेयर आप किसी वेबसाइट के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से वेबसाइट से भी अपने आप डाउनलोड होता है और इंस्टॉल हो जाता है। इस तरीके का डाउनलोडर ट्रोजन होता है। ये किसी भी के साथ भी इंक्लूड हो सकता आ सकता है आपके सिस्टम में, ट्रोजन एंड एडवेयर किसी भी के साथ भी, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है फेक एंटीवायरस ट्रोजन। एंटीवायरस की जगह आपको फेक एंटीवायरस भी मिल सकता है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है और आपके सिस्टम पर थ्रेड को रिमूव नहीं करेगा और आपके सिस्टम पर थ्रेड भेज देगा। तो आप किसी भी फेक एंटीवायरस को डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें। आप क्या करें कि आप मार्केट से परचेज करें या किसी भी जो एंटीवायरस की कंपनी है वहीं से आप एंटीवायरस को डाउनलोड करें, कहीं से भी आप जो कि क्रैक एंटीवायरस ना लें, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर एक ट्रोजन, जो कि गेम थीफ ट्रोजन होता है। जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो आपके जो आप हार रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन, अकाउंट की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लिया जाता है, यानी कि चोरी कर लिया जाता है। गेमिंग के थ्रू भी ये काम होता है, ठीक है। गेमिंग के भी ट्रोजन मिलते हैं, इन्फो स्टीलर ट्रोजन, यानी कि जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टीलर करता है ट्रोजन, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, इंफॉर्मेशन को चुराने का वाला ट्रोजन। यह ट्रोजन इस तरीके का ट्रोजन होता है कि आपके डेटा को बदल देता है, इफेक्टेड कंप्यूटर के साथ बदल देता है आपके जो डेटा होता है वो हेरफेर कर देता है पूरी तरीके से। इस तरीके का ये ट्रोजन होता है। नेक्स्ट ट्रोजन हमारे पास यहाँ पर आता है मेल फाइंडर ट्रोजन। ये एक इस तरीके का ट्रोजन है जो कि आपके सिस्टम के अंदर या आपके किसी भी डिवाइस के अंदर क्या करता है कि आपके ईमेल आईडी को फाइंड करता है और उसको चोरी करता है, यानी कि स्टील करता है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है रैंसमवेयर ट्रोजन। रैंसमवेयर ट्रोजन एक काफ़ी ज़बरदस्त ट्रोजन है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर पहुंच जाए तो उस सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है और उस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ट्रोजन इतना ख़तरनाक ट्रोजन है कि किसी भी सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ये काफ़ी ज़बरदस्त ट्रोजन है, ठीक है। ये डेंजर भी है काफ़ी ज़्यादा, आप इसका जो कि है आप इसका प्रैक्टिकल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके का ट्रोजन होता है कि आप पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और सिस्टम की जो एक्सटेंशन, जो फाइल की एक्सटेंशन होती है उन एक्सटेंशन को भी चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन ये काफ़ी ज़बरदस्त ट्रोजन है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं रिमोट एक्सेस करने के लिए। रिमोट एक्सेस लिए ट्रोजन आपको मैं बनाकर भी दिखाऊंगा और रिमोटली एक्सेस करके भी दिखाऊंगा एक कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रोजन है, किसी भी सिस्टम के पास जब हम भेज देते हैं उस नेटवर्क के वहाँ से एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन कनेक्शन भेजता है तो वहाँ से हमें कनेक्शन मिलता है और उस कनेक्शन के थ्रू उस सिस्टम की जो हमारा विक्टिम सिस्टम होता है उसके सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन को हम स्पाई कर लेते हैं, यानी कि वहाँ से अपने जो हमारा अटैकर होता है, अटैकर उस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल बना लेता है और कंट्रोल बनाने के बाद वहाँ से रिमोटली उसको पूरी तरीके से अपनी मर्जी से उसमें चेंजमेंट कर सकता है, कुछ भी चेंजमेंट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, फाइल डाउनलोड करा सकता है, फाइल को एग्जीक्यूट करा सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा सकता है, वहाँ तक कि फाइल भी बना सकता है और फाइल को डिलीट कर सकता है, उसके सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट हमें मिलता है रूटकिट ट्रोजन। रूटकिट ट्रोजन एक इससे रूटकिट ट्रोजन का उद्देश्य होता है कि जो आपका इफेक्टेड कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उनको हाइड और जो अस्पष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि कोई भी आपका मलिशियस प्रोग्राम है और मलिशियस प्रोग्राम आपके सिस्टम में आ जाए तो उसको वो पूरी तरीके से हाइड कर देता है। इस तरीके का ट्रोजन होता है रूट किट ट्रोजन इस तरीके का ट्रोजन होता है कि पूरी तरीके से उसको हाइड करके रखता है और ज़्यादा टाइम तक आपके सिस्टम पर ये ट्रोजन रहता है। रूट किट ट्रोजन काफ़ी ज़बरदस्त ट्रोजन है और काफ़ी टाइम तक ये रहता है।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है SMS ट्रोजन। यह ट्रोजन आपके इफेक्टेड मोबाइल्स पर मोबाइल को टारगेट करता है, जैसे कि आपके मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनको ये टारगेट करता है। उनको टारगेट बनाने के बाद किस तरीके से काम करता है, वहाँ पर एक मैसेज सेंड करता है, वहाँ से वहाँ से इंफॉर्मेशन को स्टील करता है एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर। इस तरीके का ये ट्रोजन होता है। तो आप किसी भी टेक्स्ट मैसेज को ओपन करें तो उसको काफ़ी ध्यान रखें, और उसके अंदर कोई भी लिंक हो तो आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। ट्रोजन बैंकर एक काफ़ी ज़बरदस्त ट्रोजन्स होते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है ट्रोजन बैंकर्स का, वो ये उद्देश्य होता है कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करना, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बिल पे डेटा, उन सभी को ये स्टील करता है, यानी कि उन सभी इंफॉर्मेशन को चुराता है आपकी बैंक का ट्रोजन। तो आप बैंक का ट्रोजन का काफ़ी ध्यान रखें और एंटीवायरस का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है ट्रोजन आई एम यानी कि इंसेंट मैसेजिंग। यह है इंसेंट मैसेजिंग ट्रोजन टारगेट करता है, और यह है क्या करता है कि आपके आई एम पर परफॉर्म करता है आपकी लॉगिन एंड पासवर्ड को, आपके छुड़ा लेता है लॉगिन एंड पासवर्ड को, ठीक है। तो यह काफ़ी आसान होता है, और यह तो कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी ज़बरदस्त कार्य करता है जो कि इंसेंट मैसेजिंग होता है। यह ट्रोजन आपके इंसेंट मैसेजिंग को टारगेट कर लेता है और आपकी लॉगिन पासवर्ड को भी आसानी से छुड़ा लेता है। तो आप इसका काफ़ी ध्यान रखें। और ये मैंने कुछ क्लासिफिकेशन बताई हैं ट्रोजन की, ये काफ़ी कॉमन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है हैकर में भी और एथिकल हैकर में भी। तो आप इनको ध्यान रखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रेंड्स जो हैं और आपके दोस्त जो हैं उस वीडियो को देख सकें और एथिकल हैकिंग सीख सकें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको प्रोवाइड होते रहें और आप वीडियोज़ को देखते भी रहें और आप भूले भी ना कौन सा चैनल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नए वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रोजन को बनाते हैं और ट्रोजन को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से बाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।